Hey guys, what's up? तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कंटाप होंगे। तो आज के इस वीडियो पे मैं बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि मेरा इस चैनल का सबसे रैंकिंग वीडियो है, वो मैं आपसे फिर से एक बार शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे यूज़र्स कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरे को अच्छे से बताओ, मेरे को समझ में नहीं आया भाई, मेरे को रील्स बनाना अपने वॉइस पे, तो मैं कैसे वीडियो को एडिट करूँ, कैसे वीडियो को अपडेट करूं रील सेक्शन पे, तो भाई मेरे को बताओ। मेरे को बहुत सारा ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा था और उस वीडियो की मदद से 50% यूज़र्स यानी तो 70% या 80% यूज़र्स को समझ में आया है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। और वहां पर बहुत अच्छा अच्छा मेरे को कमेंट देखने के लिए मिला, लव यू भाई, टेक केयर, मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा कमेंट देखने को मिला, बहुत सारा प्यार मिला मेरे को उस वीडियो पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो उस वीडियो को मेरे को इतना प्यार दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। और अभी तक आप मेरे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मैं आपसे एक बार फिर से आपको ये शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने वॉइस पे रील्स वीडियो को कैसे मेक कर सकते हो और उसे कैसे एडिट कर सकते हो और उसे कैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और याद रखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि आप लोगों को ब्रीफली में बताना था कि कैसे कैसे रील्स को एडिट किया जाता है, वीडियो को एडिट किया जाता है और प्रोफेशनल तरीका से एडिट करके कैसे अपलोड किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ और मोबाइल की तरफ आपको दिखलाते हैं कि कैसे वीडियो को एडिट करते हैं। ही गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मोबाइल की तरफ और मोबाइल की तरफ आने के बाद ये देख सकते हैं मेरा इंस्टा आईडी है। अभी तक आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन पे इंस्टा पे फॉलो कर लो और फॉलो करके आप मेरे से कुछ भी इंस्टा के रिलेटेड पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह वीडियो मेक करता हूँ अपने ओन आवाज़ में। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो, तुझे खोकर मैंने यहाँ पर मेरा खुद का वॉइस का वीडियो जो चल रहा है वो आप कैसे मेक कर सकते हो। जल्दी जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो जल्दी जाके अभी मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूजर आईडी आपके सामने दिख रहा होगा। तो इस अपने आवाज़ से इंस्टाग्राम पे कैसे रील्स को मेक करें ये मैं आज इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आप क्या करना है, आप एक रील शूट करो, मान लो आप एक रील शूट करो वो भी इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर आप टैप करो, टैप करने के बाद आप यहाँ पर स्टोरी पे यहाँ पर रील सेक्शन पे जाओ और यहाँ पर रील सेक्शन पे जाने के बाद देख सकते हैं मेरा यहाँ पर चेहरा दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर एक इफेक्ट लगाओ, यहाँ पर सिंपली एक इफेक्ट पे क्लिक करो। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक इफेक्ट लगाओ, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा इफेक्ट सीन हो रहा होगा। आप कोई भी एक अच्छा सा इफेक्ट लगा लो, यहाँ पर मान लीजिए मैं ये इफेक्ट लगा देता हूँ, ठीक है। आपको जैसा भी रील शूट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, आप मिरर पे शूट कर रहे हो या आप सनलाइट पे शूट कर रहे हो, आप कहाँ पे शूट कर रहे हो, आपको जो से भी अच्छा लगे वो इफेक्ट लगा लो, ठीक है। और इफेक्ट लगाने के बाद यहाँ पर आपको मेरा इफेक्ट लग गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को शूट करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर टैप करके वीडियो को शूट कर लेता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को वॉच कीजिए पूरा एंड तक। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एक वीडियो रेडी हो गया जो कि आपको मैंने अपने सामने अभी करके दिखलाया। तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू पे टैप करना, यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपली आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू पे टैप करना है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वीडियो बन के रेडी हो गया। आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को वॉच कीजिए पूरा एंड तक। ऐसा ही आपको अपने वॉइस पे क्लियर एकदम आवाज़ कर लेना है। जो भी आपको अगर शायरी मेक करना है, अगर आपको कुछ भी मेक करना है अपने रील्स पे, तो आपको ऐसा ही अपना फिल्टर लगा के अपने रील सेक्शन पर जाके फिल्टर लगा के ऐसा ही वीडियो को मेक कर लेना। अब मेक करने के बाद इसके बाद आगे क्या क्या करना है वो मैं आगे आपको वीडियो पे बताता हूँ। तो सिंपली आप इस वीडियो को यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे मेरा वीडियो डाउनलोड हो चुका है, वो भी मेरे गैलरी पे। तो सिंपली अब मैं गैलरी पे जाऊंगा और गैलरी पे जाने के बाद मैं वो वीडियो को आपको शो कराता हूँ कि कैसे मेरा गैलरी पे वो वाला वीडियो शो कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा वही वाला वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो वीडियो यहाँ पर शो करने लगा। देख सकते हैं मेरा ये वीडियो शो करने लगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को वॉच कीजिए पूरा एंड तक। देख सकते हैं मेरा वीडियो मेक हो गया वो भी अच्छा वॉइस पे। अब मैं इस वीडियो को एडिट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं ऐसा ही आपको वीडियो एडिट करना है, मतलब ऐसा ही आपको वीडियो शूट करना है। मैं आपको डेमो के लिए दिखलाया
कि आप कैसे पहले वीडियो शूट करके पहले कैसे क्या कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये डेमो के लिए वीडियो दिखलाया, आप एक अच्छा वीडियो शूट कर लो, उसके बाद उसे एडिट कैसे करना अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करता हूँ, मैं एक दूसरे वीडियो को एडिट करता हूँ जो कि मैं अच्छा से उसमें शायरी बुलाऊँ, खुद का शायरी बुलाऊँ, वो वाला वीडियो को मैं एडिट करता हूँ। तो चलिए वो वाला वीडियो को प्ले करते हैं। तो देख सकते हैं मेरा ये वीडियो जो कि अब मैं इस वीडियो को एडिट करके आपके सामने दिखलाने वाला हूँ। तो ये वीडियो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखलाता हूँ कि मैं इस वीडियो को कैसे शूट किया हूँ। यानी कि मेरे पास है आईफोन और ये मेरे सामने मिरर है और मिरर के सामने मैं इस वीडियो को मेक किया, वो भी रील सेक्शन पर जाके और एक अच्छा सा फिल्टर यूज़ करके। तो मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखलाता हूँ कि मेरा वीडियो ये वाला कैसे शूट हुआ है। एक चाहत है मेरी कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। तो देख सकते हैं मैंने जो शायरी बोला है वो आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका शायरी अच्छा है। और ऐसा ही अच्छा अच्छा क्यूट्स और शायरी देखने के लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं ऐसा ऐसा ही वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने वॉइस पे। आप आपको दिखलाता हूँ कि इसे एडिट कैसे करना है और बाकी रील्स वाला जो एक्टर्स मतलब कि और जो बाकी रील्स वाले अकाउंट का जो ऑनर लोग हैं वो कैसे इस वीडियो को एडिट करते हैं अपने आवाज़ पे। तो चलिए इसको आप बतलाते हैं कि आपको क्या करना है। आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है इंसूट एप्लीकेशन। वो इंसूट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो सिंपली मैं आपको इंसूट एप्लीकेशन को सर्च करके दिखला देता हूँ कि आपको इंसूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है इंसूट एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की तरफ यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा इंसूट एडिटर वीडियो। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है इंसूट। मैं इसे ओपन करके इस वीडियो को मैं इसी पे एडिट करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास इंसूट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपको एक प्रॉब्लम फेस होगी जो कि आपको वहाँ पर वाटरमार्क देखने के लिए मिलेगा इंसूट का। पहले जो इंसूट एप्लीकेशन आया था उसमें वाटरमार्क नहीं था, बट अब जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं इंसूट एप्लीकेशन को उसमें अब वाटरमार्क देखने के लिए मिल रहा है। बट आपको प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, मेरे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर एक आपको लिंक मिलेगा इंसूट एप्लीकेशन का जो कि मोड वर्जन इंसूट एप्लीकेशन है। वो आपको डाउनलोड कैसे करना है वो आपको पता चल जाएगा और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो सिंपली मैं इस वीडियो पे जाता हूं और आपको एडिट करके दिखलाता हूं मोड वर्जन इंसूट एप्लीकेशन से। तो यहां पर मैं सिंपली क्लिक करता हूं और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप डायरेक्टली इंसूट पे चल जाओगे। तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर इंसूट एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इंसूट एप्लीकेशन आ गया। तो सिंपली मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे मोबाइल पे आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देना हूँ, ओके पे क्लिक कर देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे कैसा ही इंसूट एप्लीकेशन को खुल गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे एडिट करूँगा। तो यहाँ पर आपको कन्वेक्स का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको कन्वेक्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टिकटॉक देख सकते हैं, यहाँ पर टिकटॉक का लोगो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका स्क्रीन पूरा फुल हो जाएगा जो कि मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको टिक कर देना और टिक करने के बाद इसे आपको कैसे एडिट करना है। तो सिंपली आपको प्ले करके देख लेना है कि मेरा वीडियो प्ले कैसे हो रहा है। कि एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ तक प्ले हुआ। अब बाकी आपको यहाँ से यहाँ तक बाकी आपको स्लो मोशन डालना है। तो यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर देना इस क्लिप को और क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको स्प्लिट कर देना और स्प्लिट करने के बाद जो कि रेस्ट वाला दिख रहा है, जो रेस्ट वाला जो वीडियो बचा है उसे आपको स्पीड पे जाके यहाँ पर आपको स्पीड का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्पीड पे जाके यहाँ पर आपको स्पीड कम कर देना। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा स्पीड कम हो गया, 50 में हो गया। अब यहाँ पर मैं टिक पे क्लिक कर दूंगा। टिक पे क्लिक करने के बाद मैं आपको और इस क्लिप को जो आप बनाए हो, इस क्लिप को जो आप स्पीड कम किए हो, इसका आपको वॉल्यूम को पूरा 0 पे 0 कर देना। और 0 पे क्लिक करने के बाद अब आपको प्ले करके दिखलाता हूँ कि मेरा हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं मेरा वीडियो पूरा स्लोमो हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर इस वीडियो पे आपको जितना ड्यूरेशन रखना है आप वहाँ पर ड्यूरेशन रख सकते हो लास्ट में, और लास्ट का जो रेस्ट पार्ट है उसको क्लिक करके यहाँ पर उसे स्प्लिट करके उसे डिलीट कर सकते हो। तो सिंपली मैं इसे क्लिक करके मैं यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ और स्प्लिट करने के बाद जो रेस्ट पोर्शन है, जो ये वाला जो रेस्ट पोर्शन बचा हुआ है उसे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं मेरा रेस्ट पोर्शन डिलीट हो गया और बाकी मेरा वीडियो बन चुका है। अब आपको मैं यहाँ पर सॉन्ग एडिट करके दिखाता हूँ कि बैकग्राउंड साउंड कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पर आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपली इस म्यूजिक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर ओके टैप करोगे और
और यहाँ पर आपको ट्रैक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर एक ट्रैक है और यहाँ पर इफेक्ट है, एक यहाँ पर रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ट्रैक पर टैप करता हूँ और ट्रैक पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको तीन ट्रैप का आएगा, एक आएगा फ्यूचर एड, एक आएगा माई म्यूजिक, एक आएगा इफेक्ट्स। तो सिंपली यहाँ पर माई म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है और माई म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे, आपके डिवाइस पे जो जो सारा म्यूजिक होगा वो आपको यहाँ पर खुल के आ जाने वाला है। जैसे कि आपको कोई भी म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिट करना है। तो यहाँ पर मैं एक फोटो मतलब कि एक म्यूजिक एडिट करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, ये म्यूजिक है। तो ये म्यूजिक को डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा। अगर आगे आपको इसके बारे में ब्रीफली पे जाना है, ब्रीफली पे जानना है कि ये म्यूजिक को डाउनलोड कहाँ से और कैसे करते हैं, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, बेवफा है तू, ठीक है, यूज़ कर दिया, ठीक है, यूज़ कर दिया मेरे ये वाला सॉन्ग। और उसके बाद आपको इस सॉन्ग, इस क्लिप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इस क्लिप के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम पे जाते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से बेवफा यहाँ से अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो इतना 10 सेकंड में, ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिया, मेरा यहाँ पर साउंड सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि आपको साउंड जैसे भी रखना है वैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस साउंड को पूरा वॉल्यूम को कम कर देना, ठीक है, कम कर दिए। अब मैं यहाँ पर अपना वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक चाहत है मेरी, एक चाहने वाला ऐसा हो जो चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पर मेरा वॉइस खत्म हुआ। अब मैं यहाँ पर क्लिप को रोक दिया हूँ, ठीक है, क्लिप को टैप करके मैं यहाँ पर रोका हूँ, इस ऊपर वाले क्लिप को टैप करके मैं यहाँ पर रोका हूँ। अब मैं यहाँ पर स्प्लिट पे टैप करता हूँ और स्प्लिट पे टैप करने के बाद जो रेस्ट वाला जो म्यूजिक बच रहा है, ठीक है, इसे मैं वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ और वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद इसको पूरा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और बढ़ाने के बाद आपको जो रेस्ट वाला जो इधर वॉल्यूम बचा है इसे मैं सेलेक्ट करके स्प्लिट कर दूंगा और स्प्लिट करने के बाद रेस्ट वाला जो वॉल्यूम है उसे मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरा वीडियो देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसे बन के रेडी हो गया। तो देख सकते हैं मेरा वीडियो यहाँ पर बन के रेडी हो गया जो कि मेरा वॉइस का वीडियो है। अब मैं यहाँ पर टिक पे क्लिक कर दूंगा और टिक पे करने क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर अगर आपको टैक्स एडिट करना हो वो भी आप इसी एप्लीकेशन से कर सकते हो। तो देख सकते एक चाहत है मेरी, ठीक है, एक चाहत है मेरी। तो यहाँ पर ऊपर में आपको टैक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि आपको टी से दिख रहा होगा, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर लिखना है एक चाहत है मेरी, एक चाहत है मेरी, यहाँ पर मैं लिख दिया एक चाहत है मेरी। अब यहाँ पर आपको फंड्स चेंज करना है तो यहाँ पर आप ए पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारा फंड्स मिल जाएगा जो कि आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप यहाँ मैं ये वाला फंड्स लगाया और यहाँ पर इसको छोटा कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ रख दिया। इसे आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है, प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ मेरा एक चाहत है मेरे यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसे मैं अब टैप करूँगा और टैप करके स्प्लिट कर दूँगा। स्प्लिट करने के बाद जो रेस्ट पर्सन बचा है यहाँ पर मेरा डिलीट का ऑप्शन है तो यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पर मेरा वाला हो गया। अब इसे आपको और इफेक्ट देना, बढ़िया बढ़िया इफेक्ट देना। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है जो छोटा छोटा गोल गोल है यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऐसा इफेक्ट है जो कि आपको यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा ऐसा इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया हूँ। देख सकते हैं मेरा वीडियो कैसे हो गया। देख सकते हैं मेरा फंड्स ऐसा ही, आप पूरा वीडियो को एडिट कर सकते हो और यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा इफेक्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपका इफेक्ट फिल्टर है, यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर इफेक्ट है, इफेक्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको यहाँ पर जाओगे या ग्लिच पे जाओगे, यहाँ पर देख सकते हैं ग्लिच है और यहाँ पर आप ग्लिच का भी इफेक्ट लगा सकते हो। तो आपका वीडियो जो लास्ट में है ग्लिच लग जाएगा, देख सकते हैं मेरा वीडियो पे ग्लिच लग गया। आप ऐसे ही वीडियो को एडिट करके यहाँ पर टिक करके और यहाँ पर ऊपर में सेव का ऑप्शन है, आप यहाँ पर इसे सेव करोगे और सेव पे क्लिक कर दोगे आपका ये वाला वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा आपके गैलरी पे। और गैलरी पे एक्सपोर्ट होने के बाद आप डायरेक्टली रील्स वाले सेक्शन पे जाओ और वीडियो को सेलेक्ट करो और वीडियो को सेलेक्ट करके हैशटैग डालो और वहाँ पर कैप्शन डालो और वीडियो को अपलोड करो और वीडियो को अपना वायरल करवा। सो गाइज, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया और आपको समझ में आया कि कैसे रील्स वीडियो को एडिट किया जा सकता है, अपने वॉइस पे रील्स वीडियो को कैसे एडिट किया जा सकता है,
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। मेरे बोलते बोलते मतलब कि मैंने अभी रेगुलर 3-4 वीडियोस को मेक कर दिया है, इसीलिए मेरा वॉइस थोड़ा अटक अटक के निकल रहा है। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए गाइस, तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना गाइस, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, रेशियो बहुत ही कम होता है। 1000 व्यूअर्स देख रहे हो तो उसमें 50 या 70 लाइक होता है। मैं वीडियो पे बहुत मेहनत करता हूँ और आपको दिखलाता हूँ कि और अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट देना चाहता हूँ, बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मेरे को इंप्रेशन नहीं मिलता और वीडियो पे जितना व्यूज आता है उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं आता है। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप ना भूलो। ऐसे ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और रील्स सॉलिड बनाना और मेरे को टैग करना, मैं अपने स्टोरी पे डालूंगा, इंस्टा पे मेरे को फॉलो भी कर लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर।